सलाहकार महोदय बोली, आपके क्या विचार है इस संबंध में? क्या करना चाहिए बताइए, हमें इस सिंहासन पर बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए? बोली। मेरे विचार से तो नहीं बैठना चाहिए। नहीं बैठना चाहिए आचार्य, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप क्या हमारे प्रिय महाराज श्री कृष्ण देव राय के अतिरिक्त इस सिंहासन पर बैठने के योग्य और कोई है ही नहीं? पूरे लोक में महाराज के अतिरिक्त इस पर बैठने की योग्यता किसी में नहीं है। परंतु पंडित रामकृष्ण, महाराज का आदेश, महाराज के आदेश की अवहेलना भी तो नहीं की जा सकती ना? जी मंत्रीवर, सही कहा आपने, महाराज के आदेश का भी पालन होना ही चाहिए। पागल हो गए हैं आप? कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हैं सलाहकार महोदय? ये भी सही है, हम भी सही है, बैठना भी चाहिए, नहीं भी बैठना चाहिए, इस दुविधा का हल क्या हुआ यह बताइए आप। हल तो बड़ा सरल सा है आचार्य, जिससे महाराज के आदेश की अवहेलना भी नहीं होगी और आपके मन पर इस दुविधा का बोझ भी नहीं पड़ेगा। इस दुविधा का हल क्या है सलाहकार महोदय, ये बताइए। कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं धरती पर, ऐसे ये बैठ जाए यहाँ पर और यहाँ बैठ कर करे शासन। बोलिए बोलिए बोलिए। बिल्कुल सही कहा गुरुवर, यहीं बैठकर आपको शासन चलाना चाहिए महाराज के चरणों में। इससे आप सिंहासन पर होते हुए भी नहीं होंगे और नहीं होते हुए भी होंगे, इससे उपयुक्त स्थान तो आपके लिए हो ही नहीं सकता गुरुवर। समस्या का हल निकल गया तात्कालिक महाराज। बहुत अच्छे पंडित रामकृष्णा, बहुत अच्छे। तात्कालिक महाराज, आपका क्या कहना है पंडित रामकृष्णा के इस विचार के संदर्भ में? क्या कहते हैं? यही तो हम पूछना चाहते हैं तात्कालिक महाराज, क्या आपको ये स्थान स्वीकार्य है? ना जी, हाँ 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 कहते हैं स्वीकार्य, हमें स्वीकार्य, हम यही बैठेंगे महाराज के चरणों में और यहाँ बैठकर हम शासन करेंगे। तात्कालिक महाराज तथाचार्य का पहला आदेश कि वो नीचे जमीन पर बैठकर दरबार संभालेंगे, तात्कालिक महाराज के लिए आसन लाया जाए। अवश्य। आपकी इस स्वामी भक्ति को इस रामकृष्ण का शत शत नमन गुरुवर। ओह क्षमा करे तात्कालिक महाराज, तो बोलो तात्कालिक महाराज तथाचार्य की जय। बोलो तात्कालिक महाराज आचार्य श्री तथाचार्य की जय। हम जानते हैं पंडित रामकृष्ण, ये खेल तूने जानबूझकर खेला है ताकि हमें नीचा दिखा सके, परंतु तू भूल गया रामकृष्णा, इस खेल के सारे तीर हमारे तरकश में हैं। हम हैं यहाँ के राजा, इस बार तुझे दरबार से ही नहीं, राज्य से ही नहीं, अभी तू राज्य की सीमा से भी बाहर ना खदेड़ा तो हमारा नाम तथाचार्य नहीं अलग कर देंगे, तेरी कुंडली ध्वस्त कर देंगे, तेरा सब कुछ पंडित रामकृष्ण। हमारे पीछे क्यों पड़ा है? न्याय चाहिए महाराज, न्याय चाहिए। कस के पकड़ कर रखो तो न्याय मिलेगा? वैसे आपको तो प्रसन्न होना चाहिए जो आपका पति कुत्ता बन गया। पति चाहिए तो घर के अंदर, पहरेदार चाहिए तो घर के बाहर। एक पंथ दो काज, पति का पति पहरेदार का पहरेदार। बाबा दाएं बाएं। जी महाराज। आपको क्या लगता है इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए? उसे दंड देकर जिसके कारण ये समस्या खड़ी हुई है, उसे जिसने इस व्यक्ति को कुत्ते के बदले कुत्ता
भेंट करने का ये बुद्धिहीन उपाय सुझाया है तो दंड भी उसी को मिलना चाहिए। पकड़ लो। जैसे क्या मुझे नहीं नलायक। उस रामा को पकड़ लो। रुके, क्षमा करें तात्कालिक महाराज, परंतु इसमें मेरी क्या त्रुटि है? इन्हें मैंने तो कुत्ता नहीं बनाया। तो और किसकी त्रुटि है? सोचना तो चाहिए था ना ऐसा उपाय सुझाने से पहले कि इसका परिणाम ऐसा भी हो सकता है। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कोई ये कैसे सोच सकता है कि किसी कुत्ते के काटने से कोई इस तरह कुत्ता बन जाएगा? आपको सोचना चाहिए था। आपका दायित्व बनता है किसी भी समस्या का समाधान देते समय उसके परिणाम दुष्परिणाम का बोध भी रखें। एक भले चंगे इंसान को कुत्ता बना दिया आपने, नरक जैसा जीवन हो गया इनका आपके कारण, और आपको इस अपराध का दंड मिलेगा, अभी मिलेगा, इसी क्षण मिलेगा। हम तात्कालिक महाराज तथा आचार्य पंडित रामाकृष्णा को इस अपराध के लिए दरबार से निष्कासित करते हैं। क्या अब सब सीधा सीधा और स्पष्ट दिखाई देने लगा तुझे दुष्ट? ले जाओ इस दुष्ट को, डाल दो काल कोठी में। इसका दंड अब हम स्वयं सुनिश्चित करेंगे। एक ऐसा दंड जिसके पश्चात फिर इस जैसा राज्य शत्रु हमारे विजयनगर की ओर मैली दृष्टि डालने से पहले 100 बार अपने ईष्ट देव को स्मरण करेगा। ले जाओ इसे। बधाई हो तात्कालिक महाराज, आपने अपना राजधर्म निभाया और इस पद और आसन की गरिमा रखी, और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे महाराज श्री कृष्ण देव राय आपकी कर्तव्य निष्ठा देखकर अत्यंत ही प्रसन्न होंगे। सच में गुरु जी, क्या तो सारा पलट हुई है आपकी, कैसा अद्भुत रूप दिखाया है आपने। सच गुरु जी सच, आज तो आपने चमत्कार कर दिखाया। ये चमत्कार हमारा नहीं पंडित रामाकृष्ण का है। यदि उनकी पुण्य आत्मा ने हमारा साथ ना दिया होता तो आज हम जीवित ना होते। उनकी आत्मा ने हमारे भीतर के देशभक्त को जगाया। वाह, मरणोपरांत भी कैसी लीला रच गए अपने पंडित रामाकृष्ण। जिसने प्राण हरे उसी के प्राण बचा गए। क्या कहें कैसे कहें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शब्द नहीं है हमारे पास क्षमा मांगने के लिए। संभवतः हमसे जो भूल हुई है उसकी तो किसी लोक में भी क्षमा नहीं होगी। लज्जित हैं हम अपने किए पर। जिसे जीवन भर अपना प्रतिद्वंदी अपना शत्रु मानते आए, आपके उसी पुत्र ने हमारे प्राण बचाए। अपराधी हैं हम आपके, हमें दंड दीजिए। आप जो दंड देना चाहे हमें दंड दीजिए। इस पाप के बोझ को हम सह नहीं पा रहे हैं। मारिए हमें, दंड दीजिए, मारिए हमें। अरे सोच कर रही है अम्मा जी, लगा दीजिए 2-4 लाठियां, अच्छा लगेगा हमें। धीरे मत मारिएगा, इन्हें इन्हें अच्छा लगेगा क्या कह रही है? कह रही है, कहते हैं अगर हृदय से किसी के लिए पश्चाताप करें, हृदय से अपने पापों के लिए क्षमा मांगे, हृदय से मृत आदमी का नाम पुकारे, तो मृत आदमी पुनः जीवित हो सकता है। काश
काश ऐसा हो सकता। हो सकता है, चलिए हमारे साथ। ये रहा रामा, ये रहे आप। पुकारिए रामा का नाम। अम्मा भी देखना चाहती है कि आपके पश्चाताप में कितनी सच्चाई है। अम्मा को पूर्ण विश्वास है कि अगर आपके पश्चाताप में थोड़ी भी सच्चाई है तो रामा अभी पुनः उठ खड़े होंगे। पुकारिए अपने संपूर्ण हृदय से, स्मरण करके हृदय से पुकारिए। अच्छा, प्रयास करते हैं। पंडित रामा कृष्णा, रामा, रामा, हमारे प्रिय मित्र रामा। जी दुल्हन जी। रामा गुरुजी तो सच में जीवित हो गया। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.